नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। परिणीति चोपड़ा जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली है। साथ ही 6 अक्टूबर को उनकी फिल्म मिशन रानीगंज भी रिलीज के लिए तैयार है। ऐसे में एक्ट्रेस इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म का प्रमोशन कर रही है। वहीं हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान परिणीति ने अपने 6 साल पुरानी फिल्म मेरी प्यारी बिंदु का जिक्र किया। एक बातचीत के दौरान परिणीति ने बताया कि सालों बाद भी आयुष्मान खुराना और उनकी फिल्म मेरी प्यारी बिंदु को ऑडियंस से बहुत प्यार मिल रहा है। हालांकि जब यह फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। दरअसल बातचीत के दौरान परिणीति से सवाल किया गया कि उनकी कौन सी फिल्म ऑडियंस से ज़्यादा प्यार डिजर्व करती है। इस पर परिणीति ने कहा, मुझे नहीं लगता कोई भी फिल्म ऐसी होती है जिसने ऑडियंस का ध्यान न खींचा हो, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। कुछ फिल्में ऐसी हैं जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, लेकिन सालों तक लोग उसे देखते हैं। उस समय के साथ वह एक कल्ट फिल्म बन जाती है। दूसरी तरफ कई ऐसी फिल्में भी हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि वह सही समय पर रिलीज हुई, लेकिन हो सकता है कि वो फिल्में कल्ट ना रही हो। परिणीति ने आगे कहा, मेरी प्यारी बिंदु और बाहुबली द कंक्लूजन आसपास रिलीज हुई थी, इसलिए फिल्म को नोटिस नहीं किया गया, लेकिन यही वो फिल्म है जिसके लिए मुझे आज सबसे ज्यादा प्यार मिलता है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।